कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत से कांग्रेस जन बेहद उत्साह है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के चुनावी नतीजों की शुरुआत रुझानों का कुछ देर इंतजार करने के बाद स्थिति स्पष्ट होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष विधायक आफताब अहमद ने नुह आवास पर उनके छोटे भाई पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की। इतने नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर तथा ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए इस खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर किया। बता दें कि कर्नाटक चुनाव से 2024 की तस्वीर नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए भाजपा तथा कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा पर 21 साबित हुई है। सबसे खास बात तो यह है कि बजरंग दल पर बैन को भाजपा ने बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया, लेकिन उसका कोई भी फार्मूला उसके काम नहीं आया। काफ़ी समय से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश जीतने के बाद अब कांग्रेस की कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ गई है। कई राज्यों में अभी जल्दी ही चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते ही यह नतीजे वास्तव में 2024 की तस्वीर साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मेहताब अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेताओं की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने दिन रात पसीना बहाया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठे वायदे किए थे और जात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की थी, लेकिन उसका एक भी दांव कर्नाटक चुनाव में नहीं चल पाया। कांग्रेस ने उसे चारों खाने चित कर दिए। आने वाले चुनावों के लिए ट्रेंड है, आज कर्नाटक की जीत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस इसी तरीके से परफॉर्म करके वापस भारत में हमारी जितने भी आने वाले इलेक्शन है 2024 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें हमने बहुत तगड़ी जीत दर्ज करी है और इनके सारे हथकंडे, चाहे वो इन्होंने जितना भी कहीं बजरंग बली का नाम इस्तेमाल करा, कहीं ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, जो जिस तरीके से ये आपस में भाई को लड़वा सकते थे, धार्मिक उसका हर एक चीज का इन्होंने इस्तेमाल करा, वो सारे चीज सारे हथकंडे पब्लिक ने नहीं माने। ये स्पष्ट कर दिया कि हम नफरत की राजनीति से अब तंग आ चुके हैं, हमें धरातल की राजनीति चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, ना कि धर्म की नफरत की राजनीति। कांग्रेस ने जो 5 गारंटी लोगों से की थी, क्या वो काम आ गई? बिल्कुल काम आई है, वो सारी 5 गारंटी काम आई है। लोगों को अब अपने विकास कार्य चाहिए, ना कि धार्मिक उन्माद और नफरत की राजनीति। काफी लंबे समय से बंपर जीत की तलाश कर रहे थे, वो मिल चुकी है, कितना उत्साह है? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और कर्नाटक वासियों को जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे पूरे हरियाणा पे ही नहीं, पूरे देश पे इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे हमने बम्पर जीत कर्नाटक में हुई है, हरियाणा में भी हम 85 पार का नारा रहेगा और 85 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, अब किस ढंग से चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे, कितना उत्साह उनमें है? पूरा उत्साह है जी उनमें, और पूरा जमीनी वर्क जैसे हमने कर्नाटक में किया है उसी तरह हम हरियाणा में भी करेंगे और पूरे उत्साह के साथ करेंगे। जनता ने उनको जवाब दे दिया है, क्या कहेंगे? ऐसा देश की जनता जाग चुकी है और जान भी चुकी है, विकास पर वोट दिए वहाँ, और विकास ही एक चीज है। 24 में हिंदुस्तान में राज ही बदलेगो और अल्लाह चाह तो कहा नाम प्रधानमंत्री अपनो राहुल गांधी होगो। आगलो